स्वागत है हमारे किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं अरहर दाल की कचौड़ी और आलू टमाटर की सब्जी। ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू को बॉयल करके छोटे साइज में कट कर लिया है। ये मैं अरहर की दाल के ऐसे मिक्सर में चला करके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और इन्हें मैं 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दी हूँ। ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, आप चाहे तो कोई नॉर्मल लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून के करीब जीरा पाउडर लिया है। ये मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये मैंने गरम मसाला लिया है, ये होममेड गरम मसाला है, आप चाहें तो बाहर का भी कोई यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर ऐसे छोटे पीसों में कट कर लिया है। ये मैंने 2 प्याज ऐसे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, ये मीडियम साइज के प्याज थे। ये मैंने हल्दी पाउडर ली है। ये मैं नमक ली हूँ। ये मैंने जीरा लिया हुआ है। इसमें मैंने राई, मंगरेल, सौंफ, जीरा और मेथी दाने को मिक्स करके ले लिया है। ये मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब आटा लिया हुआ है जिससे मैं कचौड़ी बनाऊंगी। तो चलिए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। पैन को गर्म होने को चढ़ा दिया है। यहाँ मैंने 1 पैन गर्म होने चढ़ा दिया है। अब हमारा पैन गर्म हो चुका है, हम इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम सबसे पहले इसमें ये जो मैंने जीरा, मेथी, राई सब मिक्स करके रखा था उन्हें मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें 1/2 प्याज को यूज़ कर रही हूँ, बाकी के 1/2 प्याज मैं कचौड़ी बनाने में यूज़ करूँगी। इसे चला दीजिए और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकने दीजिए। अब देखिए प्याज हमारा अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हम गैस का फ्लेम लो करेंगे और अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, अब इन्हें अच्छे तरीके से मिला देंगे और 1/2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे ताकि मसाले की अच्छी महक आ जाए और मसाले अच्छे तरीके से पक जाएं। हम पैन पर से ढक्कन हटाएंगे, हमारा मसाला पक चुका है। अब हम यहाँ पर ये चॉप टमाटर को डाल देंगे और हम इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक भी ऐड कर देंगे और इन्हें ढक करके हम टमाटर के सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए हमारा टमाटर अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारा अदरक लहसुन अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे 1 मिनट के लिए और ढककर पकाएंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। ये देखिए 1 मिनट हो चुका है और हमारा मसाला भी अच्छे तरीके से तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें ये कटे हुए आलू मिक्स करेंगे। सारे आलू अच्छे तरीके से मिल चुके हैं, अब हम इन्हें 2 मिनट के लिए और ढककर पकाएंगे ताकि सारे मसाले अच्छे तरीके से आलू में एब्जॉर्ब हो जाए। धनिया पत्ता मिक्स कर रही हूँ। अब आलू में हमारे मसाले अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब मैं इसमें पानी मिक्स कर दे रही हूँ। आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर कितना अच्छा लग रहा है और ग्रेवी हमारी थिक भी है। मैं इसमें थोड़ा सा और पानी मिक्स कर रही हूँ क्योंकि जब ये पक जाएगा तो ग्रेवी थोड़ी और थिक हो जाएगी। इसमें मैंने 1/2 कप के करीब पानी मिक्स किया है। अब हम इन्हें ढक करके 5 से 7 मिनट और पका लेंगे। पक रही है तब तक हम कचौड़ी के लिए आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। 1 कप के करीब आटा लिया है। इसमें मैं ये पीसी भीगी हुई दाल मिक्स कर लूँगी। ये कटे हुए प्याज ये भी मैं डाल दूँगी। ये मैंने 1 चम्मच के करीब अजवाइन ले रखी है, इसे मैं हाथों पर ऐसे क्रश कर लूँगी। उसके बाद डाल दूँगी 1/2 चम्मच के करीब नमक डालूँगी। ध्यान रखिएगा सब्जी में भी नमक है तो हमें ज़्यादा नमक नहीं डालना है। ये मैं 1 चम्मच के करीब
अदरक लहसुन का पेस्ट इसे मैं मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो अदरक लहसुन के पेस्ट की जगह चॉप गार्लिक और चॉप्ड चिली भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने 3 से 4 चिली ली है जिन्हें मैंने ऐसे बारीक कट कर लिया है, मैं इन्हें भी डाल लेती हूँ। अब हम इन्हें अच्छे से हाथों से मसल मसल कर एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा डो लगकर बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। और इसे लगाने में हमने 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी का यूज़ किया है। 1 चम्मच में थोड़ा सा तेल लेंगे, हाथों को ऐसे ग्रीस करेंगे, उसे इस तरह से थोड़ा सा मसल करके इसे 20 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। तब तक आटा थोड़ा सेट हो जाएगा। इसे हम साइड कर देते हैं, तब तक हम अपनी सब्जी चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है और इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनकर के तैयार हुई है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, ऐसे ढक करके थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा भी अच्छे तरीके से सेट हो गया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट भी है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे जितनी बड़ी आपको कचौड़ी करनी है। ये देखिए इतने आटे में हमने 25 से 26 लोइयां तैयार की हैं। अब चलिए हम इन्हें बेल लेते हैं। ये देखिए हम इसे सूखे आटे में ऐसे डिप करेंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलते। और ये देखिए हमारी पूरी बनकर तैयार है, इसे हम रख लेते हैं। इसी तरह हम सारी पूरियां बेल करके तैयार कर लेंगे। मैंने 12 से 15 पूरियां बेल ली हैं। अब हम इन्हें तलने के प्रोसेस में चलते हैं। ये मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, तेल गर्म हो चुका है। अब हम एक एक पूरी डालेंगे और इसे तल लेंगे। ये देखिए पूरियां हमारी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हमने सारी पूरियां तलकर तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें सर्व करने के प्रोसेस में चलते हैं। ये देखिए हमारी कचौड़ी और आलू टमाटर की सिंपल सब्जी बनकर तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहें।